द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर. इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर इज 68 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर. सो यहां पे एरिया दिया हुआ है, यहां पे पैरामीटर दिया हुआ है, और यहां पे बोला जा रहा है कि दो स्क्वायर है. सपोज करिए ये दो स्क्वायर हो, इस स्क्वायर की अगर मैं साइड लेट कर लू ए, ये साइड है इस स्क्वायर का, दूसरे स्क्वायर का लेट करने की जरूरत नहीं है साइड, बिकॉज यहां पे पैरामीटर में रिलेशन दिया जा रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर इज 68, मतलब इन दोनों के पैरामीटर का सम 68 है. पैरामीटर का सम क्या है 68, इसके भी और इसके भी 68 है. इसका अगर मैं पैरामीटर निकालूं तो क्या होगा, साइड इसका मैंने लेट किया है ए, तो पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू ए, यही होगा. अब इसका पैरामीटर क्या होगा, तो इसका पैरामीटर होगा इन दोनों के पैरामीटर का सम, यानी इसके और इसके पैरामीटर का सम 68 है, तो कंप्लीट 68 में से अगर इसका पैरामीटर में माइनस कर दूं तो इसी का पैरामीटर बचेगा. तो इसका पैरामीटर p अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं तो 68 माइनस 4a होगा, होगा कि नहीं होगा, ये इसका पैरामीटर होगा 68 माइनस 4a, क्योंकि इन दोनों के पैरामीटर का सम 68 है, इसका पैरामीटर 4a है, तो इसका 68 माइनस 4a होगा, होगा. अब देखो साइड मैं निकाल सकता हूं, पैरामीटर अगर पता है तो साइड इक्वल टू हो जाएगा पैरामीटर अपॉन 4, क्योंकि पैरामीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरामीटर अपॉन 4. अब पैरामीटर है ये 68 माइनस 4a अपॉन 4, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो तो साइड हो जाएगा 68 में से 4 अगर कॉमन हो गया तो 17 बचा, और इधर बचा माइनस a अपॉन 4, 4 4 कैंसिल आउट, तो साइड हो जाएगा 17 माइनस a. अब ये जो साइड है 17 माइनस a, ये इसका है और इसका साइड मैंने लेट किया था a, समझ में आया. अब दोनों के साइड पता चल गए, सो एरिया हम निकाल लेते हैं दोनों का. सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना होगा 157, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में. सो एरिया कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर का, तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, क्योंकि दूसरे भी स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 157. साइड क्या है, पहले का a, तो a स्क्वायर, दूसरे का साइड है 17 माइनस a, तो इसका स्क्वायर 157 हो गया. अब यहां ए स्क्वायर ही रहेगा, यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 270 क्या होगा 34, 34a 157 हो गया. अब देखिए ए स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर हो गया माइनस 34a हो गया, 157 इधर आया तो प्लस 289 माइनस 157 इक्वल टू जीरो. अब 289 में से 57 माइनस होगा तो 9 माइनस 7 2 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया. ये ऐसी रहने दीजिए, इसे भी ऐसी रहने दीजिए. अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, सो ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17a, और इधर हो जाएगा 2 6 12 और ये 2 6 12, ये 2 इक्वेट हो जाएगा 0 के, तो कम गायब हो जाएगा,
टू इधर भेज देंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। इसको आप लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 17 ए प्लस 66 इक्वल टू जीरो। अब यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए, यहां 67 है तो 11 सिक्स 11 इंटू सिक्स 66 होगा। ये दो 11 और 6 फैक्टर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 66 मिल रहा है और ऐड करने पे 17 मिलेगा। कैसे? तो माइनस 11 और माइनस 6 अगर मैं कर दूं तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 66 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस 17 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहां पे a रख दीजिए तो ये मिडिल टर्म को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 11 ए माइनस 6 ए प्लस 66 इक्वल टू। यहां पे दो दो के पेयर बनाइए, इसमें से ए कॉमन होगा, ए माइनस 11 होगा, यहां पे माइनस 6 ए कॉमन, 6 कॉमन होगा, सिर्फ ए कॉमन नहीं होगा, माइनस 6 यहां पे बचा ए, यहां हो जाएगा माइनस 11। देखिए यहां पे माइनस इसलिए आया, प्लस है यहां पे माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। यहां पे माइनस 6 ए था तो सिर्फ प्लस ए बचेगा अंदर, और प्लस 66 था तो माइनस 11 क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब a माइनस 11 बोथ है इसे कॉमन, a माइनस 6 इधर बच गया। अब a की दो वैल्यू आ गई, एक 11 और एक a की आ गई 6। तो देखो अगर हम एक बार साइड 11 लेंगे सो दूसरे का साइड हो जाएगा क्या 17 माइनस 11 यानी 6, और अगर हम इसको 6 लेंगे तो इसकी साइड 11 हो जाएगी। समझ में आया? अगर इसकी साइड 11 ले तो दूसरे स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी 6, अगर पहले स्क्वायर की साइड हम 6 ले तो दूसरे स्क्वायर की साइड 11 हो जाएगी। समझ में आया? चलिए नोट करिए।